हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है, तेरी बातों की आदत जुबां पे इश्क चढ़ा है। कि तू ना जाने क्या हो गया, मैं खो ही गया, पूरा ना था फिर भी जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमें फिलहाल नई दिल्ली में और आज ट्रैवल करने वाले इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस में, यानी नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस में। कमाल की बात यह है कि ट्रेन ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और मात्र 3 जगहों पर रुकती है। हमारी ट्रेन आज रात 10:10 पे चलेगी, उसके बाद कोटा, रतलाम और वडोदरा ही मात्र रुकेगी और हम लोग मुंबई कल शाम 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। इस जर्नी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रेन में 1 AC, 2 AC, 3 AC के कोचर और साथ साथ सेकेंड सीटिंग की सुविधा भी दी गई है। काफ़ी अनोखी ट्रेन है, मुंबई सेंट्रल की प्राइड है। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई की ओर छूटती है। बाकी जो ट्रेन की सुविधा है वो आपको मैं इस जर्नी के दौरान दिखाऊंगा क्योंकि इस जर्नी में आपको फर्स्ट एसी में बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे पहला इंप्रेशन तो काफ़ी इंप्रेसिव है इस दुरंतो का। केबिन देख लो आप लोग सबसे पहले, जो 4 पैसेंजर्स के लिए होता है, लेकिन आज हमें अलॉट हुआ है कूप, वो आपको दिखाता हूँ। गैलरी में अच्छे खासी सीनरीज वगैरह बनी हुई हैं, काफ़ी कमाल का है। ये अपना ई कूप और यहाँ पे हमारे 2 गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, ट्रैवल इंडिया विद ऋषि वाले ऋषि भाई और हमारे रेल ज्ञान कोश वाले संदीप भाई। कैसा लगा इंटीरियर भाई लोग? क्यों नहीं चल रहे यार साथ में जर्नी करने? चारों लोग चलेंगे ना एक बार और मजा आएगा यार। देख लो कर्टेन वगैरह काफी कमाल के, इंटीरियर काफी तगड़ा है। श्रेयांश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं और अपर सीट में जाने के लिए पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं और बाकी यहाँ पे थोड़े अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी भी ना यूनिक है। और बाकी यहाँ पे देख लो अटेंडर कॉलिंग बेल, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ है। तो भाई लोग तो हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको मैं इसी कोच में आज पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ। वैसे कई लोग पूछेंगे कि इस प्रीमियम ट्रेन का टिकट आपने कैसे बुक किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं अपनी ट्रैवल टिकट बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ वीगो ऐप को, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स एंड ट्रेन टिकट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज, सभी चीज़ को बुक कर सकते हैं। जो ट्रेन टिकट बुकिंग फैसिलिटी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी क्विक है। यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको सिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे वीगो ऐप को खोलेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ट्रेन आइकन पर क्लिक करना है, सोर्स स्टेशन डालो, डेस्टिनेशन डालो, डेट ऑफ जर्नी को चूज़ करो, बहुत सारे रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। अपनी बेस्ट पॉसिबल ट्रेन को चूज़ करो और वहाँ पर टिकट फास्ट तरीके से बुक करो। वैसे जो लोग जिस रूट पर ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो ना, आपके लिए मेरे पास एक सलाह ये भी है, उस रूट में एक बार फ्लाइट के किराए को भी चेक कर लेना क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए में फ्लाइट की टिकट भी प्रोवाइड करता है। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो वीगो ऐप को, अपनी ट्रैवलिंग को और ईजी बनाओ। बाय भाई, बिल्कुल ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुल चुकी है। देश की राजधानी नई दिल्ली से अपना डिपार्चर होता है और भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई की ओर अपना ये सफ़र है। लार्जेस्ट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, 16 प्लेटफॉर्म का बहुत ही बड़ा नई दिल्ली रेलवे। दुरंतो एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस एक साथ निकली है जो कि नई दिल्ली को प्रयागराज से जोड़ती है। वैसे इस रेस को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी धमाकेदार रेस होने वाली है, मज़ा बहुत आएगा। पूरा एंड तक देखिए, देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतेगी आज। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस,
ठंडा पानी आ चुका है। भैया गर्म पानी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? ठीक है, थैंक यू, बताते हैं आपको जरूरत लगेगी। आप लोग गरम गरम पानी, एक्चुअली गला थोड़ा बैठा हुआ लग रहा था तो मैंने बोला कि क्यों ना भाई गरम पानी मंगा लिया जाए। और केटरिंग सर्विसेज वाकई में अच्छी है यार, मतलब कोई बहस नहीं कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे ढंग से भैया हमारे लिए गरम पानी भी ले आए। फिलहाल ये सब गरम पानी वगैरह फिनिश किया जाए, इसके बाद सोते हैं क्योंकि कल सुबह आपको जो पूरे दिन की जर्नी है ना उस पर मेन फोकस रखेंगे, वो सब दिखाएंगे। रतलाम का जो रूट है पहली बार दिन पर कवर करने वाले, तो मज़ा आएगा भाई। आप लोग बने रहिएगा इसी तरह इस वीडियो में, अभी सोते हैं, कल सुबह आप लोग से अर्ली मॉर्निंग मुलाकात करेंगे। गुड नाइट दोस्तों। इंदौर जोधपुर रणथंबोर एक्सप्रेस नीमच वाली लाइन पे निकलते हुए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ अपने डे टू की शुरुआत होती है रतलाम जंक्शन से। ट्रेन यहाँ पे 6:30 पहुँच चुकी थी लेकिन एंट्री प्लेटफॉर्म में हमें 6:50 के आसपास दी गई है। 7 बजे से 7:05 तक का इसका यहाँ पे स्टॉपेज टाइम है। और बता दूँ रतलाम अपने ट्रिपल एस के लिए फेमस है, साड़ी, सोना और सेव, इन सभी चीज़ों का मास प्रोडक्शन यहाँ पे होता है और इसी के लिए रतलाम को जाना जाता है। फास्टेस्ट दुरंत हुआ करती थी इंडिया की पहली दुरंत एक्सप्रेस, यानी नई दिल्ली सियालदा दुरंत एक्सप्रेस, जिसे बीकानेर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए अब हमारी ट्रेन जो है वो फास्टेस्ट दुरंत हो चुकी है। इंडिया में टोटल 24 पेयर्स ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चल रहे हैं। जब इन्हें चलाया गया था ना तो इन्हें एंड टू एंड ऐसा चलाया गया था कि इनके स्टॉपेज नहीं होते थे, टिकट नहीं मिलते थे एंड टू एंड में। दुरंतो का मीनिंग यही होता है कि दूरियों का अंत करने वाली नॉन स्टॉप चलने वाली ट्रेन। जैसे मान लीजिए अगर ये नई दिल्ली से मुंबई की ट्रेन थी तो केवल आपको नई दिल्ली से मुंबई का ही टिकट मिलेगा, बीच में सारे टेक्निकल हॉल्ट्स थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अब टेक्निकल हॉल्ट्स में भी टिकट मिलना शुरू हो गया, इसलिए अब रतलाम से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, वडोदरा से भी कर सकते हैं, कोटा से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। कमाल की ट्रेन है, केटरिंग सर्विसेज वगैरह की जो चेकिंग है वो हम लोग करेंगे, खाना पीना ट्रेन का कैसा है, बाकी जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रतलाम को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो नीमच वाली वो तो मैंने आपको दिखाई, साथ ही साथ यहाँ से इंदौर के लिए फतेहाबाद होते हुए लाइन गई हुई है और मुंबई दिल्ली लाइन जो कि मेन लाइन है उसमें तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक ज़माने में मीटर गेज ट्रेन का हब हुआ करता था, बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था, अभी भी बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन मीटर गेज ट्रेन यहाँ पर नहीं बची हुई है। मिलता हूँ आप लोगों से जब ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा। हाँ बिल्कुल शार्प ऑन टाइम हम लोग चलने को तैयार हैं और यहाँ सूर्य देवता भी आ चुके हैं। बीच में गुड्स ट्रेन आ गई, वरना दूसरी तरफ मुंबई हिसार दुरंतो जो पहले जयपुर दुरंतो थी वो भी आ चुकी है। ये पेट्रोलियम टैंकर वाली ट्रेन है, कई लोग पूछेंगे भाई कौन सी ट्रेन थी आपने बताया नहीं। और दूसरी तरफ से हम लोग रतलाम के प्लेटफॉर्म से भी निकल रहे हैं।
भैया आए थे पूछने के लिए, हमने कहा लेकिन रतलाम के बाद आप आराम से चाय लाओ, और यहाँ पे हमारी जो बेटी है वो सर्व की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह इतनी सुबह मतलब खाने पीने की आदत नहीं हमको, लेकिन रेलवे के नियम के हिसाब से सुबह सुबह बेटी सर्व कर दी जाती है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था। तो भैया एकदम गर्म गर्म अभी पैंट्री से बनवा करके लेके आ रहे हैं, और ये शुगर फ्री है, शुगर वगैरह भी अलग से हमें मिल जाएगी। देख लो आप लोग, पर अपने को मिल गया था, और साथ साथ यहाँ पे देख लो आप लोग क्या क्या चीज़ें सर्व की गई हैं। ये मुझे बिस्किट्स काफ़ी पसंद है, और यहाँ पे बनी बनाई चाय मिल गई है, और साथ में शुगर। चलिए जल्दी से इसे पीते हैं और अर्ली मॉर्निंग व्यू को इन्जॉय करते हैं इनमें। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि नॉर्मली मुझे वो वाली चाय नहीं पसंद जिसमें आपको क्रीमर मिलाना होता है, शुगर मिलाना पड़ता है, और टी डिप करके ट्रेन में चाय बनानी पड़ती है, उसमें वो स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। कम से कम ट्रेन में बनी बनाई चाय मिल रही है अर्ली मॉर्निंग, जिसमें अदरक अच्छे से पड़ा हुआ है ना, दिन के शुरुआत काफ़ी तगड़ी हुई है। मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं कि नाश्ता कैसा आएगा। कल आए थे पैंट्री मैनेजर साहब, पूछे क्या क्या खाओगे, हमने कहा जो जो आपको ब्रेकफास्ट के मेन्यू में हर चीज़ एक ले आना। चलिए जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, कुछ समय ब्रेकफास्ट सर्व होगा, और बाहर के जो नज़ारे वो तो आपको दिखाएंगे। देख लो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, उपमा मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, साथ में कटलेट वगैरह हैं, वेज कटलेट, हमने वेज ऑप्शन को चूज़ किया है। यहाँ पे बॉल है जहाँ पे हम मिल्क वगैरह डाल के कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड है, बटर है, टोमेटो सॉस है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। और मुझे अभी पता चला कि केटरिंग किसकी है, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे लग रहा है। अब पता नहीं अंबुज होटल के साथ, पहले हमने मडगांव राजधानी में ट्रैवल किया, उस समय तो इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन आज देख के लग रहा है कि वाकई में काफ़ी तगड़ी केटरिंग आज हमें देखने को मिलने वाली है। हमारे ऑपरेशन करने वाले तीन शस्त्र, चलिए देखते हैं कटलेट का स्वाद कैसा है, क्योंकि वैसे मुझे ट्रेन्स में कटलेट बहुत पसंद आती है, मैंने घर में भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा हो। कटलेट तो इवन बनी भाई, तो यहाँ पे उपमा देख लेते हैं कैसा है। उपमा ऑप्शनल है, आप तो मन है तो ले सकते हो, मुझे तो वैसे उपमा भी सही लगा। पोहे थोड़े एवरेज से हैं क्योंकि फ्राइड है, मुझे नॉर्मल स्टीम्ड वाले ज़्यादा पसंद है। उपमा को मैं 10/8 रेटिंग देना चाहूँगा, और साथ में जो कटलेट है उसे 10/9 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि इतने अच्छे कटलेट पहले मैंने शिमला में ही खाए थे,
और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब दाहोद भी हमारी ट्रेन स्किप करी भाई। जो लोग दाहोद से हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई आपकी जगह किस लिए फेमस है। और तुरंत को यार यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं दिया गया जब इतना बड़ा शहर है तो। मजा आ रहा है यार खाने में। डिनर तो कुछ मिला नहीं था, सोच रहे ब्रेकफास्ट से ही वसूली की जाए। हमें टोटल जर्नी के लिए 5,100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एक रात के, समझ जाओ कितनी महंगी है दोनों तो एक्सप्रेस। लेकिन वैसी सर्विसेज भी आप देख लो, ब्राउन ब्रेड है, बटर है, जैम है, कॉर्नफ्लेक्स है, ये सभी चीज़ें आपको जो फैसिलिटीज है ना फर्स्ट एसी में मिलेंगी और सभी चीज़ें अनलिमिटेड है, आप खा सकते हो। और यहाँ पे मेन्यू भी दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चलो दिखा ही देते हैं आपको। तो ये यहाँ पे जिसकी केटरिंग है उसका आपको पेपर मिल जाता है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें सर्व होंगी। आप देख लीजिए आपको लंच, ब्रेकफास्ट और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब भी आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ना तो इन सभी चीज़ों की डिमांड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आप कर सकते हो। मैंने भी यही देख करके लंच के लिए अपने लिए डिमांड की कि भाई मुझे कॉन्टिनेंटल एक प्लेट दी जाए, देखते हैं कॉन्टिनेंटल में क्या आएगा, क्योंकि उम्मीद तो है कि मैक्रोनीज या नूडल्स कुछ ना कुछ तो अपने को सर्व होगा। मैं जल्दी से इन सभी चीज़ों को फिनिश कर लेता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। पहुँचने वाले हैं वडोदरा जंक्शन और यहाँ पे अहमदाबाद वाली जो लाइन है वो आ चुकी है। 10:33 का अपना अराइवल टाइम था वडोदरा में, बिफोर टाइम चल रही है गाड़ी, देखते हैं कब तक पहुँचती है। अभी आउटर में तो पहुँच ही गए और बाकी रूट देख लो आप लोग, यहाँ से अहमदाबाद वाला जो है वो निकल जाता है। वंदे भारत में जब हमने ट्रैवल किया था तो आपको ये रूट वगैरह सभी दिखाई थी डिटेल्स। वैसे छायापुरी केबिन भी है जहाँ से बहुत सारी ट्रेनें अब वडोदरा को बाईपास करके डायरेक्ट अहमदाबाद की ओर निकल जाती हैं, जिस लाइन से हम आ रहे हैं उसी से। वडोदरा अराइवल लेने के लिए मैं तो अपने सेकेंड सीटिंग के कोच में आ गया अंदर ही अंदर। इंडिया के 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन पहुंच चुकी है और यहां से 5 मिनट का जो डिले है वो हुआ है आज। वडोदरा जंक्शन का स्टेशन कोड है BRC और मैं आप लोगों को बता दूं यहां से आपको केवड़िया वाली लाइन, छोटा उदयपुर वाली लाइन, अहमदाबाद वाली लाइन, दिल्ली मुंबई की लाइन भी मिल जाती हैं। यहाँ आते आते हमारी ट्रेन ने 992 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है और मुंबई लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम 4 बजे तक मुंबई भी खैर पहुँच जाएंगे, अब इसके बाद कोई स्टॉप नहीं, सीधा मुंबई रुकेंगे, सूरत, वलसाड़, वापी, कहीं हमारी ट्रेन नहीं रुकती है। काफ़ी कमाल के है मुंबई दुरंतों, मज़ा है इसका, जो रन है काफ़ी मैसिव है, नॉन स्टॉप भागती रहती है और रास्ते में जो नज़ारे थे बहुत बढ़िया थे। ठंड खैर इस रूट पर अब शुरू हो चुकी है। बाकी जनरल के कोचेज में खाने पीने की सर्विसेज नहीं है तो आपको अपना खाना पीना लेकर के चलना पड़ेगा और साथ में नहीं तो स्टेशनों में ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। सफिशियंट पानी लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉप ट्रेन के बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुकी है। वडोदरा को कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत शहर है यार। मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत बार रुका भी हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। खाना पीना भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, मेरे जैसे फूडी लोग तो खाना पीना ही ढूंढते हैं, मज़ा काफ़ी आया। और सामने देख लीजिए बांद्रा झांसी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर। अभी भरूच जंक्शन को स्किप करिए और सामने आप नर्मदा माता का पुल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, अभी उसे भी पार करेंगे। कमाल का फीचर होता है इसमें दिया जाने वाला शावर रूम, लंबी जर्नी में आप नहा भी सकते हो। बहुत सारे लोगों ने आपको नहा कर दिखाया, भाई मैं तो नहा कर ही दिखाऊंगा, बस ये फैसिलिटी आपको दिखाने वाला था बाकी। हाँ लेकिन अभी मुंह धो लेते हैं, बाल धो लेते हैं क्योंकि काफी डस्ट हो गई है। मैं जल्दी यहाँ से फ्रेश अप होता हूँ, आपको मिलता हूँ दोपहर के लंच। मिरर भी दिया हुआ है और बाल धो लिए, फेस वॉश हो गया, आप तैयार हैं,
आगे के सफर के लिए, क्योंकि बैक टू बैक हमारी ट्रेन अभी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। चलते हैं बाहर, गैलरी व्यू देखिए दिन में बढ़िया लगता है, फिर आपको ओवरटेक भी दिखाते हैं। तो ये ट्रेन का बना है क्या? हाँ सर। वाह वाह। नॉर्मली आजकल नॉर का सूप वगैरह मिलता है, मैं देख रहा हूँ कि दुरंतो में बना बनाया सूप जो कि ट्रेन के पैंट्री कार में बनाया गया वो सर्व हो रहा है। देखते हैं भाई इसका स्वाद कैसा है, तो ट्राई करने के लिए तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भैया। अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? क्योंकि हमारे भाई को बहुत पसंद है सूप ये। दोबारा मांगोगे तो बहुत। अरे वाह बहुत बढ़िया, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। उसे काफ़ी अच्छा तो लग रहा है। लोग जब सूप आता है ना तो पीछे वाले केबिन से ही पता चल जाता है, ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। चलो जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। टेस्ट करो भाई बताओ कैसा है। काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत जबरदस्त मज़ा आया यार। मतलब नॉर का सूप अच्छा है या ये? डेफिनेटली है, कोई डाउट ही नहीं। बेस्ट चीज़ में क्या लगती है पता है? सूप स्टिक, बटर और सूप का कॉम्बो एक नंबर। इसके बाद लंच भी सर्व हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। सूरत स्किप करेंगे, वो भी देखिए आप जल्दी से फिनिश भी किया जाए। यहाँ पे अपना लंच आ चुका है भाई, वैरायटी देखो यहाँ पे, मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी, यहाँ पे चावल है, रोटियाँ हैं और मेन चीज़ ये देखिए यहाँ पे आज कॉन्टिनेंटल भी आ चुका है, पास्ता है, मिक्स वेज है, कटलेट्स हैं, ब्रेड वगैरह भी दे दिया गया है, सॉस एंड बटर। यहाँ पे फिलहाल हमारी ट्रेन किसी स्टेशन को यानी नवसारी स्टेशन है शायद, बहुत ही ताबड़तोड़ 130 की रफ्तार में स्किप करी। अब जल्दी से टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो चलिए भाई लोग टेस्ट कर लेते हैं, कैसा है कॉन्टिनेंटल। देख के रहा तो नहीं जा रहा है, पास्ता काफ़ी टेस्टी था, शूट करते करते ये थोड़ा चिपकू चिपकू सा हो गया। मैगी मसाला पड़ा है, अब समझ जाओ टेस्ट कैसा है। साथ में हमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह मिल जाता है जिससे आप इन फ्राई वेजेस को इन्जॉय कर सकते हो। कटलेट लगता है अभी बने हैं, सुबह वाले हैं, टेस्ट करके बताता हूँ। सुबह वाले ही हैं, बढ़िया स्वाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में गुलाब जामुन जो है वो और आ गए, बाकी पनीर वगैरह भी काफ़ी लाजवाब लग रहा है। मैं और श्रेयांश जल्दी से टेस्ट करते हैं, श्रेयांश पनीर टेस्ट करेगा, मैं दाल टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी है। मिक्सवेज मेरे को तो भाई सबसे अच्छे तो देखने में मिक्सवेज लग रही, क्योंकि देसी सब्जी की ज़रूर याद आती है जब आप घर से बाहर हो और उसके साथ दाल। मज़ा आ गया, बहुत गजब, मानना पड़ेगा लिटरली यार, दाल बहुत गजब है, मिक्सवेज तो बहुत ही गजब है। पनीर, पनीर कैसी है? बहुत गजब। अब मेरा भी मन कर रहा है ट्राई करने यार, पनीर कर ही लेते हैं। काफ़ी बढ़िया पनीर, जो
बिलासपुर राजधानी को बार बार याद कर रहे थे, आप बताओ किसका अच्छा है लंच? यार तुम लोग का अच्छा लगा लंच, अभी तक मैं बिलासपुर राजधानी को याद कर रहा था कि यार खाना बढ़िया था। लंच इस गाड़ी का बहुत ही तगड़ा है, बहुत बेहतरीन। और पता है हम लोगों ने क्यों थोड़ा जल्दी मंगाया? क्योंकि हम लोग के मुंबई पहुंचने से पहले इवनिंग स्नैक्स भी सर्व होंगे। हमने कहा भाई जो भी है अभी ले आओ, इसको फिनिश करते हैं ताकि शाम तक के लिए जगह बच जाए। बाकी भाई लोग खाना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। आप लोगों से कुछ ही देर में मुलाकात करते हैं। अगर आप लोग अपने पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ये रहा लगेज कम पार्सल वैन रेलवे का, जहाँ पे आप अपने पेट्स को रख सकते हो। देख लो भाई इसका हाल कुछ ऐसा होता है, और यहाँ लोकोमोटिव की आवाज़ सब आती रहती है। अपने फर्स्ट एसी के जस्ट पास था तो आपको दिखा पा रहा हूँ, वरना आप फर्स्ट एसी में कूप या केबिन बुक करके भी अपने पेट्स को अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये लोग पूछेंगे कि भाई पेट्स के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, फर्स्ट एसी में टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हो, वरना जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया वो। और डिटेल में जानकारी चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को प्रॉपरली देख लो, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर्विस आज, और यहाँ देख लो 3:30 हो रहा है, पहुँचने वाले मुंबई, और आज का है अपना इवनिंग स्नैक्स। गाड़ी से उतरते उतरते देख लो आपको अच्छा खासा तगड़ा मेन्यू खिला पिला के भेजेंगे भैया। तो अब पता चल रहा है कि इसमें अंबुज होटल्स की जो केटरिंग है वो चल रही है, और खाना आप लोग देख लो वैरायटी में अपना जो इवनिंग स्नैक्स है वो आज का है। यहाँ पे भेलपूरी है, चना है, रोस्टेड एलमंड्स हैं, सोहन पापड़ी है, गरम गरम चाय बनी बनाई हमने मंगवाई थी वो आई है, साथ में सैंडविचेस है भाई, इतनी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है भाई। लास्ट सर्विस का भी रिव्यू हो जाए। श्रेयांत भाई कैसा लग रहा है दुरंतो में, अब जर्नी एंड हो रही है? यार दुरंतो काफ़ी मज़ा आ रही। सबसे पहली बात तो खाने पीने की सर्विस की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्ती साफ सफाई वगैरह ट्रेन की, तो मतलब क्या ही बोले, ताबड़ तोड़ा दुरंतो नाम ही काफ़ी है, बाकी मज़ा आया काफ़ी सफर करके। नहीं भाई इतना काफ़ी है, काफ़ी देखो भैया प्यार से बार बार पूछने भी आ रहे हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और यहाँ पे सैंडविच भी काफ़ी सही। आप देख लो आप लोगों ने मेरे साथ और भी ट्रेन में एक्सपीरियंस किया होगा, तो क्वालिटी का अंदाज़ा आपको यहीं पे लग गया होगा। और हमारा कचौड़ी कैसी भाई? टेस्ट भी अच्छी है। मडगांव राजधानी का एक्सपीरियंस अंबुज के साथ थोड़ा ख़राब रहा था, पर आज मैं जाके देख रहा हूँ प्रीमियम ट्रेन जैसी अपनी मुंबई दुरंतों में सर्विसेज से काफ़ी इंप्रेस हूँ। थैंक्स लॉट फॉर दिस केटरिंग सर्विसेज, क्योंकि यही जो कुछ चीज़ें हैं वो एक प्रीमियम ट्रेन जर्नी को खास बनाती हैं, और हमें आज लग रहा है जैसे हम किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मुंबई राजधानी सिया राजधानी के स्टैंडर्ड को बखूबी मैच किया है, इनफैक्ट कई चीज़ें उससे अच्छी है। मेरे को ट्रेन की तो टाइमिंग भी उससे अच्छी लगी, और कई खाने पीने की चीज़ें भी उन राजधानियों से बेहतर लगी है। आप लोग को भी रिकमेंड करना चाहूँगा ये ट्रेन। आपसे बस कुछ ही समय में हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुँचने वाले हैं, मिलता हूँ आप लोगों से सीधा मुंबई सेंट्रल में। टोटल 1385 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपनी डेस्टिनेशन सपनों के शहर मुंबई आ चुके हैं। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मेरी तरफ से अगर आप पूछें साफ सुथरी ट्रेन, प्रीमियम खाना, प्रीमियम फील, नॉन स्टॉप भागने वाली इस दुरंतों में ना मज़ा ही आ गया। अब ये मेरी मुंबई आने वाली बेस्ट ट्रेनों में से एक हो गई है। कभी अगर मुझे अगर बिना वीडियो बनाए भी आना है ना, तो मैं इस ट्रेन को चुनूंगा। वडोदरा हो चाहे रतलाम हो, भागती इतना बढ़िया है, रुकती नहीं है कहीं, मज़ा आ रहा था। खाने पीने की सुविधाएँ ट्रेन में इतनी बढ़िया थी, साफ़ सफाई की तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, और कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया था। अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो आप इस ट्रेन के फर्स्ट एसी को चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करना है तो, वरना आप लोग इसके एसी 3 टीयर और 2 टीयर में भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि सीट अवेलेबिलिटी हमेशा इसमें मिल जाती है, सबसे अच्छी बात यह है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम ट्रेन गुरु, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपनी सुबह शेयर करता रहता हूँ। अब मैं निकलने वाला हूँ भाई एक और जर्नी में, तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में, और ऐसे ही कमाल की ट्रेन्स को रिव्यू करते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।